हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 1D क्लास 9th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले 1C तक कंप्लीट हो चुकी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, चारों ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में ऐड करना, या रेशनल एक कोई रेशनल एक रेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, मल्टीप्ल करते हैं, ये सब हम आज सीखेंगे। रेशनल और इरेशनल का एडिशन है ना, और मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट हमें ऐड करना है। क्वेश्चन है ऐड, फर्स्ट पार्ट यहाँ लिख देता हूँ। चलो 2√3 माइनस 5√2 एंड √3 प्लस 2√2, इसको ऐड करना है। तो चलिए करते हैं, इनके दोनों टर्म को प्लस कर लें। सॉल्यूशन इसका देख लीजिए। फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है 2√3, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस 5√2। ऐड करना है तो ऐड का मतलब प्लस, और ये जो भी नंबर है √3 प्लस 2√2। ओके, ये चारों के चार टर्म में 1, 2, 3, 4 और चारों कैसे इरेशनल नंबर। तो क्या करेंगे, सेम जो इरेशनल नंबर है उनको पास पास लिख लें। सेम से मतलब जिसके साथ √3 है √3 के पास, √2 वाले √2 के पास। तो 2 आप डायरेक्ट कर सकते हो, 9 क्लास में हूँ मैं तो अभी समझा रहा हूँ, इसलिए मैं पास पास लिख रहा हूँ, वरना आप डायरेक्ट लिखोगे 2√3 √3 √3 लिख दोगे, माइनस के 5√2 और प्लस के 2√2, 2 में से 5 माइनस 3√2, ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट। लेकिन क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा आराम से कर देता हूँ। √3 वाला टर्म एक ही है, √3 वाला एक टर्म है, मैंने पास पास लिख लिया इनको। ओके, अब माइनस √2 वाले लिखता हूँ, 5√2 प्लस 2√2। ऐसा नहीं कर देना कि √3 में से √2 पे √1 बचा है ना, रूट जो इरेशनल नंबर होते हैं रूट वाले संख्या सेम रूट होंगे तभी ऐड होंगे, तभी सबट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज सेम रहेंगे। तो अब जैसे √3 है, ये √3 है, ये ऐड हो जाएंगे। 2√3 √3 का मतलब क्या होता है, 1√3, ये लिखना नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए 1 लिख दिया। तो 2√3 और 1√3, 2 और 1 कितने होते हैं, 3√3। ओके, अब √2 √2 वाले सॉल्व कर ले, ये माइनस के 5√2 हैं, ये प्लस के 2√2, यानी कि 2 में से 5 सबट्रैक्ट करना है, कम में से ज्यादा नंबर सबट्रैक्ट करते तो माइनस में आंसर आएगा। और होता क्या है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर ही सबट्रैक्ट होता है, तो जानते अच्छे से आप, 5 में से 2 गया तो 3, ये इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट, ज्यादा से ज्यादा अगर आप कुछ और करना चाहें तो क्या दिमाग में आता, क्या कर सकते हैं, 3 3 है ना, कॉमन जिसे बोलते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन ले लिया तो √3 माइनस √2। नाउ सेकंड पार्ट, मैं आपको एक बुक में दिखाई देता हूँ, ये न्यू एडिशन है, एकदम लेटेस्ट एडिशन, 28 पेज पर। सेकंड पार्ट में देखा 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5। इसमें 3 टाइप्स के इरेशनल नंबर है, एक √2 है, 3 टाइप्स मतलब √2 है, √3 है, √5 टाइप, तो एक ही मतलब √2 आ रहा है, यहाँ √3 √5। इसमें ऐड करना है 3√3 माइनस √2 प्लस √5। चलिए करते हैं इसे जी। तो मैंने लिख लिया ऐड करना है इसे, तो प्लस का साइन लगा दें, 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 प्लस सेकंड ब्रैकेट में जो भी है 3√3 माइनस √2 प्लस √5। इसको भी चलो मैं पास पास लिख के कर देता हूँ, 2√2 और इस वाले ब्रैकेट में √2 का था माइनस का, तो माइनस √2, फिर 5√3 और इस वाले √3 में था 3√3 और यहाँ है माइनस 7√5 और सेकंड ब्रैकेट में था प्लस के √5, तो प्लस √5 हो गया। 2√2 में से 1√2 गए तो ओनली √2 बचा, ठीक है ना। 5√3 प्लस के और प्लस के 3, 5 प्लस 3 कितना होता है 8, तो 8√3 प्लस के √5 और माइनस के 7, तो 1 में से 7 सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 6√5, तो ये इसका आंसर हो गया, √2 प्लस 8√3 माइनस 6√5। नाउ थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में ये क्वेश्चन है, इसे भी कर लेते हैं, प्लस कर दें, ये क्या हो जाएगा, 2/√7 माइनस 1/√2 प्लस 6√11।
फर्स्ट ब्रैकेट में ये था प्लस सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, सेवन अपॉन रूट सेवन प्लस थ्री वाई टू रूट टू माइनस रूट इलेवन। तो सबसे पहले मैं रूट टू वाले देखता हूँ, माइनस के वन अपॉन टू, चलो लिख लेते हैं माइनस वन बाई टू रूट टू प्लस थ्री अपॉन टू रूट टू। क्या कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगा, रूट टू रूट थ्री रूट फाइव ऐसे या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक ऑर्डर में लगा, इसमें रूट टू लिख लिया। अब इन दोनों में क्या है, रूट सेवन जो बचा है, रूट सेवन और रूट इलेवन, तो अब रूट सेवन वाले लिख लो। क्या है रूट सेवन के टर्म, टू अपॉन थ्री रूट सेवन और एक जीरा प्लस सेवन अपॉन थ्री रूट सेवन। और बच्चा क्या रूट इलेवन, यहाँ तो है प्लस के सिक्स रूट इलेवन और यह माइनस के रूट इलेवन। तो ये देखो कैसे है, अपॉन में डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट हो जाएगा, थ्री अपॉन टू में से वन अपॉन टू सबट्रैक्ट करेंगे, टू अपॉन टू, टू अपॉन टू का मतलब वन। बात समझ में आ रही हो, नहीं आई बात समझ में, थ्री अपॉन टू का मतलब क्या, हाफ वन पॉइंट फाइव और इसका मतलब पॉइंट फाइव। चलो आप डायरेक्ट लिख लो ऐसे, लाइक फ्रैक्शन समझ लो तरीके से, रूट टू को भूल जाओ तो देखो वन अपॉन टू थ्री अपॉन टू लाइक है ना, और लाइक फ्रैक्शन आप ऐड करना है तो अपॉन में तो टू आएगा और थ्री में से बन गया टू, टू अपॉन टू रूट टू ऐसे लिख दिया, वैसे वन अप कर देंगे स्टेप में काट दो या एलसीएम लेके कर लो, एक ही बात है वो है ना। इसी तरह यहाँ ये भी थ्री ये भी थ्री, तो टू अपॉन थ्री और सेवन अपॉन थ्री कितना हो जाएगा, सेवन प्लस टू नाइन, ये हो गया नाइन अपॉन थ्री रूट सेवन, कैंसिल नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा मैं, और सिक्स में से वन गए तो फाइव रूट इलेवन, टू से टू कैंसिल हो गया तो यानी कि ओनली रूट टू, थ्री से नाइन थ्री टाइम्स कैंसिल प्लस थ्री रूट सेवन और प्लस फाइव रूट इलेवन। तो ये आंसर हुआ इसका थर्ड पार्ट, रूट टू प्लस थ्री रूट सेवन प्लस फाइव रूट इलेवन। ओके एक बार दोबारा चेक कर लो, टू अपॉन थ्री रूट सेवन है ना, माइनस वन अपॉन टू रूट टू प्लस सिक्स रूट इलेवन, और वन अप जी वन अपॉन थ्री है, सेवन नहीं है सॉरी, वन है, वन वन ही लिखा है मैंने, वन अपॉन थ्री है, वन बाई थ्री रूट सेवन, ये वन बाई है, वन करो ये वन अपॉन रूट थ्री सेवन, तो वन है तो ये वन करेंगे है ना, वन अपॉन रूट थ्री सेवन और टू प्लस वन क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, थ्री से थ्री कैंसिल तो ओनली रूट सेवन आएगा, रूट टू प्लस रूट सेवन प्लस फाइव रूट इलेवन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, अब ये मल्टीप्लाई पर है कि थ्री रूट फाइव बाई टू रूट फाइव, यानी कि इसमें इससे मल्टीप्ल करना है तो क्या होगा, थ्री रूट फाइव इन टू टू रूट फाइव। इसको भी मैं पहला सवाल डिटेल में कर देता हूं, होता क्या है, इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर मल्टीपल होता है और रेशनल का रेशनल, मतलब रेशनल नंबर क्या है, थ्री और यहां टू, तो थ्री का मल्टीपल होगा टू में और इरेशनल का होगा इरेशनल में, रूट फाइव इंटू रूट फाइव, थ्री टू या सिक्स, ये आपको पता है ना, रूट फाइव इंटू रूट फाइव यानी कि रूट फाइव का स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट का साइन हट जाता है, रिमूव हो जाता है, तो क्या बचेगा फाइव, और सिक्स फाइव जा थर्टी, तो इसका आंसर आ गया थर्टी। नाउ सेकंड पार्ट भी मैं हिंग कर देता हूं, इसके आगे ही जगह है, हो जाएगा। सेकंड पार्ट में मल्टीपल करना है हमें सिक्स रूट फिफ्टीन बाई फोर रूट थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, सिक्स रूट फिफ्टीन इंटू फोर रूट थ्री, सिक्स इंटू फोर रेशनल नंबर इंटू रेशनल नंबर, और ये हो जाएगा इरेशनल इंटू इरेशनल, तो सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, क्लियर। अब इसका तरीका क्या होता है, रूट इंटू रूट है तो एक रूट लिख लो, डायरेक्ट लिख सकते हो, फिफ्टीन थ्री जा फोर्टी फाइव है ना, और रूट फिफ्टीन को मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, फिफ्टीन को हम क्या ले सकते हैं, फाइव इंटू थ्री, ये तो फिफ्टीन होगा, थ्री ये है, ऐसा क्यों कह रहा, क्योंकि स्क्वायर रूट में थ्री बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया ट्वेंटी फोर इंटू थ्री रूट फाइव, ट्वेंटी फोर थ्री जा सेवेंटी टू और रूट फाइव ये है, तो इट इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, सेवेंटी टू रूट फाइव। ओके नाउ थर्ड पार्ट भी छोटा सा है, वो भी हिंग कर देते इसके आगे, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है टू रूट सिक्स बाई थ्री रूट थ्री, तो क्या होगा, टू इंटू थ्री इंटू रूट सिक्स इंटू रूट थ्री, तो ये कितना हो गया, थ्री टू जा सिक्स इंटू, या तो आप डायरेक्ट 18 लिख लो, फिर
फिर 18 का स्क्वायर रूट निकालूंगा, ये 6 है तो मैंने 6 को जैसे पहले करा था 2 इंटू 3, ये तो 6 है और ये 3 है, तो 3 स्क्वायर रूट में तो बाहर आ जाएगा, पेयर बाहर आता है, तो 6 इंटू 3 और अंदर क्या रह गया रूट 2, 6 3 जा 18, रूट 2 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट एंड द क्वेश्चन इज 3√8/3√2, तो चलिए करते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा 3√8 × 3√2, 3 इंटू चलो लिख देता हूँ 3 × 3 × √8 × √2, रूट इंटू रूट रूट का मल्टीपल हो जाता है, समझ लो आप 3 3 या 9 जैसे हमने पहले सॉल्व करेंगे इससे पहले, अब 8 2 या 16 लिख लो आप, या इसके पेयर बना के कर लो, ये आपकी मर्जी है, 16 कर दें क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट तो जानते हो क्या होता है 4, तो इसका स्क्वायर रूट होता है 4, तो 9 × 4 और 9 4 जा 36, तो 36 इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट √10/√14, तो इसका मतलब क्या हुआ √10 × √40, तो ये क्या हो जाएगा 10 × 40, अब हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है तो हमें मालूम 40 को ले सकते हैं 10 × 4 और 4 का मतलब 2 × 2, देखो 2 2 जा 4 10 जा 40 40 आ गया, पेयर दो बन गए एक 10 का एक 2 का, तो एक एक नंबर बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट नहीं तो होता 10 × 2, तो आंसर इज 20। ये हुआ इसका फिफ्थ पार्ट। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सिक्स्थ पार्ट एंड द क्वेश्चन इज 3√28/2√7, तो क्या होगा 3√28 × 2√7, तो 3 × 2 रेशन नंबर 2 रेशन नंबर इंटू रूट में जो भी है दो हो तीन टर्म हो सबका एक रूट में मल्टीपल हो जाता है, 3 2 जा 6, अब रूट के अंदर क्योंकि हमें इसका रूट निकालना है यहाँ 7 है तो 28 के प्राइम फैक्टर कर लो, क्या होता है 2 2 जा 4 7 जा 28, तो 2 × 2 × 7 है ना इंटू 7, तो एक 2 का पेयर बना एक 7 का, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, एक 2 बाहर आएगा और एक 7, स्क्वायर रूट आप जानते हो अच्छी तरीके से, 6 2 जा 12 12 7 जा 84, तो आंसर इज 84। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डिवाइड करना है, 2 में हमने मल्टीपल करा इसमें डिवाइड है, इसका फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है 16√6 में डिवाइड करना है बाई 4√2, तो कैसे करते हैं 16√6 डिवाइड का मतलब, चलो या तो डिवाइड का साइन लगा दो या डायरेक्ट अपॉन में लिख लो, एक ही बात होती है वो तो है ना ऐसे, और इसका मतलब क्या है 16√6/4√2, ओहो देख नहीं रहा आपको, सॉरी देख रहा हूँ 4√2, जैसे मल्टीपल में होता है सेम डिवीजन में, रेशनल नंबर से रेशनल नंबर कैंसिल करेंगे और इरेशनल से इरेशनल, तो 4 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, ये हो गया 4, इसका मतलब ये होता है √6/√2, अगर अपॉन में है तो इसका मतलब ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं √2 से 6, मतलब 2 से 6 काट दो खाली 3 बार तो √3 बचेगा, वैसे आप यहाँ देख लो ये हो गया 2 1 जा 2 3 जा, तो क्या आंसर आ गया 4√3 इज द सॉल्यूशन इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट है 12√15/4√3, इसको सॉल्व करना है डिवाइड करना है, तो 12√15 डिवाइड का मतलब हमने बताया था अपॉन 4√3, 4 1 जा 4 3 जा, रूट का आप डायरेक्ट कर सकते हो 3 1 जा 3 5 जा, तो क्या बचेगा 3√5, तो आंसर इज 3√5। नाउ थर्ड पार्ट और तीन ही पार्ट है इसमें, थर्ड पार्ट इज 18√21/6√7, क्या करना है हमें डिवाइड करना है, यानी कि 18√21 डिवाइड का मतलब अपॉन होता है 6√7, इसमें रेशनल नंबर 6 और 18 है तो रेशनल नंबर 6 से रेशनल नंबर 18 3 टाइम्स कैंसिल, तो 3 तो ये बचा, रेशनल नंबर क्या है √21 और √7, रूट को भूलिए आप केवल, अब देखो 7 से 21 कैंसिल होगा होगा 7 1 जा 7 3 जा, तो क्या बचा √3, तो ये हो गया 3√3। ओके
नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट इन फर्स्ट ब्रैकेट 3 माइनस रूट 11 इन अदर ब्रैकेट 3 प्लस रूट 11। अब देखो कैसे, या तो आप डायरेक्ट मल्टीपल कर दो 3 का इन दोनों टर्म में और माइनस रूट 11 का दोनों टर्म में, लेकिन हम क्लास 8 कर चुके हैं है ना, तो हमें आइडेंटिटी पता है, तो आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्या मैं यहां लिखता हूं, देखो एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, वही लगा दो, ए की जगह क्या है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू रूट 11, तो ये किसके इक्वल होगी, ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस बी, बी की जगह रूट 11 है, रूट 11 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है भैया 9, और रूट का स्क्वायर क्या होता है रूट रहता है, तो क्या रह जाएगा ओनली 11, और 9 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2, समझ में आया ना। और देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में ज्यादातर आइडेंटिटी यही लग रही है ए प्लस बी ए माइनस बी वाली। सेकंड पार्ट है माइनस 3 प्लस रूट 5 इन अदर ब्रैकेट माइनस 3 माइनस रूट 5। ओके अब दिमाग में ये आता है यहां तो भाई ए माइनस बी की फॉर्म तो चलो रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस 3 लिखेंगे तो ए माइनस बी होगी, लेकिन यहाँ तो दोनों माइनस का है, अब एक आइडेंटिटी कहाँ से बनी, तो ये बनेगी देखते हैं कैसे बनेगी। देखिए इसमें से और इसमें से दोनों से माइनस कॉमन ले, मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया या माइनस वन कॉमन ले लिया समझ लो, तो क्या हो जाएगा जब माइनस कॉमन लेते साइन चेंज होते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का है ना, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, हुआ ना, इन दोनों में से भी मैंने माइनस वन कॉमन ले लिया तो ये प्लस का और ये भी प्लस का, ये बात समझ में आ गया स्टेप, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये देखो वही रूट बन गई, सॉरी रूट कह रहा हूं वही आइडेंटिटी बन गई, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए का स्क्वायर, ए के प्लस पर 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और रूट का स्क्वायर भी ऊपर क्या था रूट के स्क्वायर में क्या था रूट 5 इंटू रूट 5, रूट कहाँ लिया था पता ही नहीं पता है, देखो रूट 5 का उसका समझ ही लो, चलो हमें पता है रूट का मतलब होता है 5 की पावर 1/2, ये तो रूट की वैल्यू है, इसका भी स्क्वायर पावर का पावर में मल्टीपल हो जाता है, तो 5 की पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल 5 आ गया, इस वजह से रूट का साइन हट जाता है ना, तो ये हो गया 9 माइनस 5 और 9 में से 5 तो आप फोर्थ फिफ्थ में सीख चुके हो है ना, ओके तो ये आ गया फोर्थ, 9 में से जब 5 सब्ट्रैक्ट करा तो आंसर इज 4। नाउ थर्ड पार्ट थोड़ा जल्दी कर दूं क्योंकि मेरा स्कूल का टाइम हो रहा है, थर्ड पार्ट है कहां चला गया भाई 3 माइनस रूट 3, 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, इसमें आइडेंटिटी हम ये यूज करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जानते हो अच्छे से a की जगह 3 और b की जगह रूट 3, तो ये हो गया ए स्क्वायर, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, ए की वैल्यू रूट 3 और b की वैल्यू क्या है सॉरी a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू रूट 3, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 2 3 जा 6 रूट 3 और 3 का स्क्वायर क्या होगा रूट 3 का स्क्वायर रूट हट जाता है 3, ये प्लस के 9 और प्लस के 3 कितना हो गया 12 माइनस 6 रूट 3। अब इसको इसके आगे कुछ और कर सकते हो, कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है या तो आप ऐसे छोड़ दो या क्या कर सकते हैं, देखो 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन लोगे तो 2 माइनस रूट 3, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो और लिखना चाहो तो ऐसे, जब फैक्टर करवाता है तो हमें ऐसे लिखना कॉमन लेना चाहिए, वरना आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। ना फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट इज रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, सेम ऊपर की तरह है, बस क्या है ब्रैकेट में दोनों इरेशनल नंबर है, वहां पर एक रेशनल था एक रेशनल, आइडेंटिटी ये लगनी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह रूट 5 बी की जगह रूट 3, तो आइडेंटिटी लगाई ए स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह रूट 5 इंटू बी की वैल्यू क्या है रूट 3 2ab प्लस बी स्क्वायर और बी की वैल्यू है रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है माइनस 2 रूट इंटू रूट कर चुके ऊपर,
क्या हो जाएगा, 5 3 या 15, तो हो जाएगा अंडर रूट 15 और रूट 3 का स्क्वायर, अभी कई बार करा रूट का स्क्वायर यहाँ भी करा तो रूट हट जाता है, तो 3 प्लस के 5 प्लस के 3 कितना हो गया 8 माइनस 2 रूट 15। या तो ऐसी छोड़ दो, और अगर आपको चाहे तो इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 2 जब कॉमन लेंगे तो 4 माइनस रूट 15। चलिए अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5, मतलब दूसरे ब्रैकेट में मल्टीपल करना है इन दोनों का। इसमें कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही, नो प्रॉब्लम, जैसे मल्टीपल करते हैं इस फर्स्ट टर्म का इस दोनों में करेंगे, तो क्या लिखेंगे 5 का मल्टीपल करना है हमें 2 प्लस रूट 5 में, फिर फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म क्या है प्लस का रूट 7 वो लिख लो, इंटू सेकेंड ब्रैकेट वो क्या है 2 प्लस रूट 5, यानी कि रूट 7 का इन दोनों टर्म में करना है। अब 5 का अंदर मल्टीपल कर रहे हैं, 5 2 10, रेशनल का इरेशनल में मल्टीपल करते हैं तो रेशनल नंबर बाहर रहेगा, इरेशनल ऐसे रहेगा 5 रूट 5, सेम वो यही इरेशनल इंटू रेशनल वही रहता है 2 रूट 7, और रूट 7 इंटू रूट 5 करोगे तो बताया था अभी करा था 7 5 जा 35, बस ये इसका आंसर हो गया, और तो सॉल्व होगा नहीं, ये आंसर हो गया। तो 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 35, और सॉल्व हो नहीं रहा है ना, मैं इसे देखा था इसका रूट तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, ये सॉल्व नहीं हुआ, तो ये आंसर हो गया। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट पार्ट दिस वीडियो आल्सो, 6th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, ओके। इसमें भी मल्टीपल करना है, इसमें क्या है फर्स्ट ब्रैकेट में दे रखा हमें रूट 5 माइनस रूट 2, इन अदर ब्रैकेट रूट 2 माइनस रूट 3, कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही, तो ऊपर की तरह हमें रूट 5 का इन दोनों में मल्टीपल करना है, तो पहले आप इस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म लिख लो रूट 5, और दूसरा ब्रैकेट सेम एज इट ब्रिंग डाउन कर लेते हैं, उतार लिया। अब इस ब्रैकेट का सेकंड टर्म क्या है माइनस रूट 2, बीस सेंड करते हैं माइनस रूट 2, और सेकंड ब्रैकेट रूट 2 माइनस रूट 3, अगर और भी टर्म होता सपोज करो प्लस 5 होता तो हम लिखते प्लस 5 और ये पूरा ब्रैकेट। अब रूट 5 का अंदर मल्टीपल करना है, रूट 5 इंटू रूट 2 तो रूट को बोल जाओ 5 2 10, तो ये हो गया रूट 10, माइनस है तो माइनस आएगा, अब वही 5 इंटू 3 15, रूट के अंदर 50, माइनस प्लस माइनस होता है रूट 2 इंटू रूट 2, सेम संख्या का मल्टीपल होता है तो रूट का स्क्वायर अभी बताया तो रूट हट जाता है तो आ जाएगा 2, और माइनस माइनस प्लस रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6, ओके ये इसका आंसर हुआ रूट 10 माइनस रूट 15 माइनस 2 प्लस रूट 6। तो आज के वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 1 2 4 कंप्लीट हुए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आ गए होंगे, फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दोबारा सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी इसका आगे का पार्ट जब भी अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।